राजस्थान की राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर मंत्री मंजू पाकमार शपथ ग्रहण कर रही हैं सचिवालय। देखिए, मंजू पाकमार ने सचिवालय में पदभार ग्रहण किया है। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पाकमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पाकमार ने पूजा अर्चना की है। मंत्री डॉक्टर मंजू पाकमार ने पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण कर लिया है, विधिवत रूप से आज आपने क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? कोई बात नहीं, सबसे पहले तो मैं एक मिनट बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है। और आज जो आपने जो प्राथमिकताएं पूछी है, हमारा पूरे राजस्थान प्रदेश जो पिछले 5 सालों के अंदर हर मामलों में दुखी महसूस कर रहा था, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला अत्याचारों के विरोध में हो, तो उन सभी के कल्याण के लिए हमारी प्राथमिकताएं रहेगी। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, उन समस्याओं को दूर करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, तो महिलाओं को शक्ति और शिक्षा देकर हम उन्हें सशक्तिकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश में लागू की है, और उसको भी हम जो है उससे लागू करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। मैडम, 5 दिन हो चुके आप लोग मंत्री बने हुए, लेकिन अभी तक कामकाज कुछ नहीं मिला? नहीं, कामकाज की अभी गति हमने चालू करी है, और निश्चित रूप से जो है अभी 5 साल है, निश्चित रूप से जो है प्रदेश के विकास में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, और थोड़े ही दिनों के अंदर जो है आपको कामकाज जो है तीव्र गति से दिखाई होता हुआ महसूस होगा। ऐसा लग रहा है देरी हो रही है, विभाग बता रहा हूँ काम करना शुरू कर, प्रदेश की जनता को भी जा रही है, मैंडेट दिया है आपको? नहीं नहीं, काम पूरी हिसाब से चल रहा है, क्योंकि दो अभी जो हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा का 2047 विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जो सपना देखा है, हर पंचायत स्तर पर हम शिविर लगा रहे हैं, और जो मोदी जी की गारंटी है उन योजनाओं से कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे, इसलिए सभी अधिकारियों को सभी पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर वहां पर उन पात्र व्यक्तियों की समस्याओं का पूरा समाधान किया जाए। मैम, जो तमाम जो मंत्री हैं वो फील्ड में निकल चुके हैं, आज आपने पदभार ग्रहण किया है, शुरुआत कहां से करेंगे आप? हम बिल्कुल अपने क्षेत्र में भी जाएंगे और सभी की समस्याओं दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। मंत्री जी, क्या मानते हैं कौन से विभाग में आप बेहतर काम कर सकते हैं? जो भी विभाग मिलेगा उसमें हम बेहतर करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारी ओर से, क्योंकि मैं खुद भी एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, और जैसा कि अभी मैंने बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, और हमारा एक कोर्स था, हमारे डायरेक्टर साहब जो है वाइस चेयरमैन है वो भी हमारे साथ में है, मेरे गुरु जी भी रहे हैं, और मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर भी हमने काफी काम किया है, तो निश्चित रूप से जो है एजुकेशन के क्षेत्र में हम काम करेंगे, और जो भी कार्य दिया जाएगा उसमें हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। शिक्षा में किस किस तरह के बदलाव चाहते हैं आप? जैसा कि मैंने बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हम उसमें कार्य करना चाहेंगे, विश्वविद्यालयों के जो समस्याएं आ रही है विश्वविद्यालय के अंदर लेकर, क्योंकि अभी रैंकिंग में जो पिछड़ रहे हैं उन समस्याओं को भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाए। मैडम, कल मोदी जी आ रहे हैं, जी विधायक को बुलाया, आप भी पहुंचेंगे, जी क्या कुछ विजन है जो मोदी जी के सामने आप भी बताना चाहेंगे कि संवाद करेंगे, तो आपसे बात करेंगे तो आप क्या कुछ उनको बात करेंगे? फोकस रहने वाला है लोकसभा चुनाव पे आप? बिल्कुल, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और उन्होंने जो एक विकसित भारत का जो सपना देखा है 2047, उनको लेकर हम किस तरह से जो है प्रदेश के विकास चहुमुखी विकास कर सकते हैं, उन योजनाओं को लेकर जो है हम उनके सामने रखेंगे। और ठीक है, थैंक यू ठीक है साहब, सभी मीडिया मंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद।